हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत कर रहा हूं आपको अपने चैनल पे। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एक नए टॉपिक को लेकर के। और आई थिंक ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, चाहे वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर इसका कॉन्सेप्ट प्रायः पूछा जाता है नीट में भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वो टॉपिक क्या है हमारा? वो टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक प्रोफाइलिंग। इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया है? जेनेटिक प्रोफाइलिंग। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये काफ़ी प्रचलन में है फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोलॉजिकल पेरेंट को पता लगाने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है। तो देखिए, ये है क्या एक्चुअली में? सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जान लेंगे इसके बारे में। क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए पैटर्न। एक्चुअली में डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल में डीएनए का पैटर्न में कुछ चेंजेज होता है। ऐसे तो लगभग 99.9% ये ऑलमोस्ट सिमिलर डीएनए पाए जाते हैं पूरे ह्यूमन बीइंग में, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी आपको मिलेंगे, जो डिफरेंसेस आपको सैटेलाइट डीएनए के टर्म में मिलता है। हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसको सबसे पहले इन्वेंटेड करने वाले साइंटिस्ट थे एलेक्स जेफरी। क्या नाम था उनका? एलेक्स जेफरी। 1984 में इन्होंने सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैटर्न ऑफ डीएनए इन्होंने क्लासीफाई किया था अलग अलग टाइप का डीएनए जो डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं, सैंपल्स में पाए जाते हैं। और इंडिया में इसको सबसे पहले स्टार्ट करने वाले दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक हो गए वीके कश्यप और दूसरे हो गए डॉक्टर लालजी सिंह। ये फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया कह सकते हैं आप इनको। और वहीं पे एलेक्स जेफरी जो है इनको हम लोग कह सकते हैं फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इवन नेट वगैरह में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जानने के पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिस पर बेस्ड होता है। देखिए, बेसिक बात यह है कि ह्यूमन डीएनए ऑलमोस्ट 99.9% सेम। ह्यूमन डीएनए जो होता है ना, वो लगभग 99.9% सेम ही होता है। और क्या, इट इज़ द पार्ट ऑफ कोडिंग डीएनए। एक्चुअली में जो 99.9% हिस्सा जो है ना डीएनए का ह्यूमन बॉडी में, वो कोडिंग डीएनए का पार्ट होता है। ये एक्चुअली में बल्क पार्ट होता है, काफ़ी बड़ा हिस्सा डीएनए का ऐसा होता है जो ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और वो हिस्सा कौन सा होता है? कोडिंग पार्ट। आपको याद है ना, कोडिंग और नॉन कोडिंग एरिया। कोडिंग एरिया वो जो फंक्शनल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? फंक्शनल पार्ट है ना। वहीं पे वेरी स्मॉल पार्ट, देख लो स्मॉल पार्ट 0.1% इसका परसेंटेज है जो नॉन कोडिंग पार्ट है। नॉन कोडिंग पार्ट कहने का मतलब ये क्या है? नॉन फंक्शनल है, बस ऐसे ही है ये। इसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में, मतलब डीएनए का वो पार्ट होता है जो ऑटोमेटिकली ये हिस्सा कंसिस्ट करता है, जिसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। जबकि कोडिंग हिस्सा जो है वो प्रोटीनियस के लिए, प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। वही जो नॉन कोडिंग एरिया है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब देखो, ये सैटेलाइट डीएनए भाई दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट और एक को बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। दो होता है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। अब देखो, माइक्रो सैटेलाइट जो आप देख रहे हो उसमें लगभग कितने बेस पेयर होते हैं? 1 to 8 बेस पेयर अवेलेबल होते हैं। माइक्रो सैटेलाइट में लगभग कितने बेस पेयर होते हैं? 1 to 8 बेस पेयर। माइक्रो मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल। और इसमें शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होता है। एक्चुअली में ये जो सैटेलाइट डीएनए है ना, इसमें रिपीटिटिव सिक्वेंस पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? रेपिटेटिव सिक्वेंसेज अवेलेबल होते हैं। ये सारे में रेपिटेटिव सिक्वेंसेज अवेलेबल होते हैं, और रेपिटेटिव सिक्वेंस के हिसाब से ही इसको हम लोग क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, ठीक ना। जबकि आप कोडिंग जोन जो देखोगे उसमें रेपिटेटिव सिक्वेंस नहीं मिलेगा, जबकि नॉन कोडिंग जोन में बहुत सारा ऐसा जोन होता है जो रेपिटेटिव सिक्वेंस होता है। और डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम लोग देखें तो दोनों का डेंसिटी ग्रेडियंट अलग अलग होगा। कोडिंग जोन का डेंसिटी ग्रेडियंट अलग होगा और नॉन कोडिंग जोन का डेंसिटी ग्रेडियंट डिफरेंट होगा। ओके,
वहीं पे मिनी सैटेलाइट जो आप देख रहे हो उसमें कितने होते हैं, 10 to 60 बेस पेयर्स। मिनी सैटेलाइट में कितने होते हैं, 10 to 60 बेस पेयर्स होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं VNTR। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है DNA के फिंगरप्रिंटिंग के केस में। VNTR क्या फुल फॉर्म है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। देख रहे हो, मतलब इसमें रिपीटेशन जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई क्लास रिपीटेशन इसमें देखा गया है। बहुत मतलब 10 बार 20 बार 50 बार इस टाइप का रिपीटेटिव सिक्वेंस पाया जाता है इस एरिया में, और ये क्या होता है, नॉन कोडिंग एरिया होता है, और इसी एरिया का यूज किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में। DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो एक्चुअली में VNTR जो होता है ना उसी की वजह से होता है। यही हिस्सा को आइडेंटिफाई किया जाता है डिफरेंट सैंपल ऑफ DNA विच आर प्रोवाइडेड फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर है बात आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी के बारे में। देखिए देखिए क्या बताया गया है कि डिफरेंस ऑफ सैटेलाइट DNA इज कॉल्ड क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। एक्चुअली में डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल में एक्चुअली में ये अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल में ये अलग अलग होता है, उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा, मॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस, और पॉली का मतलब डिफरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप का फिजिकल अपीयरेंस होता है। ये डिफरेंट टाइप का फिजिकल अपीयरेंस किस बेसिस पे हो सकता है, तो देखिए उसका लेंथ अलग हो सकता है, उसका रिपीटेशन अलग हो सकता है, उसमें AT और GC का रेशियो अलग हो सकता है। इसी डिफरेंसेस को हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग में डिटेक्ट करते हैं। वही देखिए आगे लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म DNA फिंगरप्रिंटिंग इज डन। अब देखिए क्या बताया गया है आगे, कि जीनोम ऑफ टू पीपल आर कट यूजिंग द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हम लोग उसको DNA का जो सैंपल हम लोग निकालते हैं ना, एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, उसको हम लोग यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको याद है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होता है जो उसको कट करता है, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको मॉलिकुलर सीजर भी बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। मैंने पीछे थोड़ा सा बहुत बात किया ऐसे, तो ये टॉपिक जो है इंडो और एक्सोन्यूक्लिएज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में डील करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होता है जो DNA को एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे कट करता है, ओके। तो उसी का यूज़ किया जाता है। अब देखो एक ही टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ हम लोग अलग अलग टाइप के पॉलीमॉर्फिक DNA के लिए करेंगे, तो वो क्या करता है, डिफरेंट सेगमेंट में तोड़ता है, वो उसको डिफरेंट हिसाब से अपने अलग अलग लेंथ के हिसाब से, अलग अलग सिस्टम के हिसाब से तोड़ देता है उसको। वही है, जीनोम ऑफ टू पीपल आर कट यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द लेंथ एंड फ्रेगमेंट ऑब्टेंड इज डिफरेंट। वो अलग अलग मिलेगा आपको। अब देखिए वेरिएशन इन लेंथ ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, जो DNA का फ्रेगमेंट मिला बाय द यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका लेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं RFLP। क्या बोलते हैं उसको, RFLP। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है DNA फ्रेगमेंट DNA फिंगरप्रिंटिंग में। एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए क्या हो गया था, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, एक जो था ये इंपॉर्टेंट टर्म था। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आपको मिल गया RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है ये बात, ओके आगे बढ़ जाएं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टेक्निक, वो कौन सा टेक्निक यूज होता है, हम लोग कैसे कैसे DNA का ये करेंगे, प्रोफाइलिंग करेंगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग कैसे करेंगे, उसी का टेक्निक अब मैं आपको बता रहा हूं। तो टेक्निक में सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेनिंग सोर्स ऑफ DNA फ्रॉम डिफरेंट सैंपल। अलग अलग सैंपल से हम क्या करेंगे, DNA को ऑब्टेंड करेंगे। वो सैंपल क्या हो सकता है, वो सैंपल ब्लड हो सकता है, वो सैंपल सेमेन हो सकता है, वो सैंपल एयर फॉलिकल्स हो सकता है, इवन स्किन सेल्स हो सकता है, ये सारे सैंपल हैं। इस सैंपल को हम लोग DNA के सोर्स के रूप में ऑब्टेंड करेंगे, ओके। कितना अमाउंट ऑफ DNA हमारे लिए जरूरी है, तो लगभग 1 माइक्रोग्राम DNA कंटेंट आपको जरूरत पड़ता है DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए। अब हम क्या करेंगे, उस सैंपल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, सॉरी उस सैंपल से DNA को एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना।
एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सोर्स। अब डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको फिर बहुत सारा एंजाइम यूज करना पड़ सकता है, जैसे सेल लाइसिस के लिए हम करेंगे इसके लिए, है ना। हम प्रोटीओज का यूज भी कर सकते हैं, प्रोटीएज का यूज करेंगे हम लोग, ओके। न्यूक्लियस का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना, क्योंकि डीएनए आपको पता है ना बाइंडिंग स्ट्रक्चर में होता है न्यूक्लियोसोम के अंदर, याद है ना आपको। तो इसीलिए ये बहुत सारे एंजाइम, जैसा आपका सोर्स मिलेगा उसके हिसाब से आप एंजाइम का यूज करो, और इसकी वजह से क्या होगा, डीएनए उस सैंपल से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े हम लोग, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजेज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो डीएनए आपको मिला वो डीएनए एक्चुअली में क्या था, उसके बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, वो बड़ा बड़ा सैंपल है डीएनए का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैंने अभी बात किया था मॉलिकुलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। और ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका नाम है HAE3, ओके, HAE3, ठीक ना। एक्चुअली में ये एंजाइम जो है वो एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया से ऑब्टेंड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोफाइलस, ओके। क्या बोलते हैं उसको, हेमोफाइलस। इसकी बात हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो चूंकि ये टॉपिक आपका जो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। ऐसे बायोटेक्नोलॉजी से इसका बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो आप बस ये याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है, दैट इज HAE। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि ये किस जगह से डीएनए को कट करता है। तो ये एक्चुअली में ये डीएनए को कट करता है इस साइट से, जहाँ पे GGCC का कम्बिनेशन होगा ना, बेस पेयर होगा ना, वहीं से ये डीएनए को क्या कर देगा, कट कर देगा, ओके, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अब जो सैंपल आपको मिला, ट्रांसफर द फ्रेगमेंटेड डीएनए ओवर एग्रोस जेल प्लेट, एक एग्रोस जेल का प्लेट होता है, उसके ऊपर आप इस डीएनए के सैंपल को क्या कीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। अब ये एग्रोस जेल पे हम क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ट्रांसफर डीएनए ओवर दैट एग्रोस जेल, सो दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लें इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या चीज होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ यहाँ पे, मान लो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं, एक ट्यूब है, ये ऐसे एक ट्यूब ले लिया, और इस ट्यूब में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया है, ओके, और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स अवेलेबल है, क्लियर है बात, कोलाइडल पार्टिकल्स अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ क्या है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स अवेलेबल है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो होता क्या है ना, मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो होता क्या है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, अपने चार्ज प्रॉपर्टीज के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड के टुबार्ड्स कलेक्ट हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज प्रॉपर्टी, कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, उसके चार्ज के हिसाब से उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं भाई, देखिए ये एग्रोस जेल का प्लेट, और इस एग्रोस जेल के प्लेट में आपको क्या मिलेगा, एक तरफ पॉजिटिव फील्ड और एक तरफ क्या, नेगेटिव फील्ड। डीएनए के सैंपल को हमने इसके ऊपर डाला, तो क्या होगा, डीएनए का सैंपल जो होगा ना वो अरेंज हो जाएगा कुछ इस टाइप से, देख रहे हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो होंगे ना वो टुबार्ड्स, और बड़े बड़े फ्रैगमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, अबे हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा ना, क्योंकि अच्छा डीएनए जो होगा वो अरेंज होगा किधर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए निगेटिवली चार्ज किसकी वजह से होता है,
फॉस्फेट आयन, याद है ना आपको, फॉस्फेट आयन की वजह से निगेटिवली चार्ज होता है। इसका कलेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब छोटे फ्रैगमेंट्स जो होंगे वो नज़दीक होंगे, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो नज़दीक होंगे इलेक्ट्रोड के, और लार्जर फ्रैगमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, दूर होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, क्योंकि इसका मॉलिकुलर वेट कम है, इसका मॉलिकुलर वेट क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हुआ हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब हमने क्या किया, डीएनए को सैंपल से अलग किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया। देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, उसके बाद हमने क्या किया, उस सैंपल जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, HAE3 हेमोफाइलस से ऑब्टेंट किया जाता है। किस सीक्वेंस को कट करेगा ये? GGCC वाले सीक्वेंस को कट करेगा। अब उस फ्रेगमेंटेड डीएनए को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, एग्रोस जेल के प्लेट पर। क्यों ट्रांसफ़र करेंगे, पर्पज़ क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डीएनए पार्टिकल्स या अरेंजमेंट ऑफ डीएनए पार्टिकल्स ओवर द एग्रोस जेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्मॉलर पार्टिकल्स जो होगा वो टूवर्ड्स द क्या होगा, फील्ड होगा, ज़्यादा क्लोजर होगा, और जो लॉन्गर पार्टिकल्स होगा वो अबे होगा, वो थोड़ा फार होगा। वजह क्या है कि इसका मॉलिकुलर वेट कम है, इसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है। अब जरा ये मुझे बताओ, क्या आपको ये सैंपल दिखेगा? आपको तो ये सैंपल दिखेगा ही नहीं, आप डीएनए उस अगर उस जेल में देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि डीएनए तो बहुत छोटा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, वो टेक्निक यूज करेंगे जिसकी वजह से ये सैंपल हमको समझ में आए, ये सैंपल हमको नज़र आए। तो देखिए, आगे का जो टेक्निक हमारा है वो क्या है, आगे का जो टेक्निक है वो क्या है, साउदर्न ब्लॉटिंग। वो टेक्निक क्या है, साउदर्न ब्लॉटिंग। अब ये डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे एडवर्ड साउदर्न, है ना, एडवर्ड साउदर्न ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इन्हीं के नाम पर ये ब्लॉटिंग बोलते हैं। ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, छापना, है ना। एक्चुअली में जो आप एग्रोस जेल के ऊपर डीएनए आपको मिला है ना, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के टर्म में, वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं ना कि नाइट्रोसेलुलोज का एक सीट लेते हैं। ये क्या है, नाइट्रोसेलुलोज का सीट है, और इस सीट को इसके ऊपर क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। जब सीट को जब आप अटैच करोगे ना, तो ये जो डीएनए का सैंपल है वो कहाँ आ जाएगा, वो नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पे आ जाएगा। क्लियर? जब वो नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पे आ गया, अब हम उसको क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। अभी भी आपको ये नज़र नहीं आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई? अच्छा, ये आप समझ गए ना, साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है। साउदर्न ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर उस डीएनए का जो सैंपल है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्लॉट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, परमानेंटली इसके ऊपर अटैच कर देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं हम लोग। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है? एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए डीएनए प्रॉब। आपको क्या चाहिए, डीएनए प्रॉब। एक्चुअली में डीएनए प्रॉब क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव पार्ट कंसिस्टिंग डीएनए होता है। ये वो डीएनए होता है जिसमें रेडियो एक्टिव पार्ट अवेलेबल होते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। आपने जो नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर जो इसका ट्रांसफर किया, यहाँ पे आपको एक और चीज करना है कि आपको डीनेचुरेशन भी करना पड़ेगा इसके पहले। इसके पहले का एक स्टेप और आएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम इसका क्या करवाएंगे, डीनेचुरेशन। देखो, डीनेचुरेशन क्या चीज़ है। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसको सिंगल स्ट्रैंड में तोड़ना पड़ेगा। मतलब इसको कहीं ना कहीं सिंगल स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आ जाएगा ये। क्लियर है? तब जाकर के हम करेंगे क्या, साउदर्न ब्लॉटिंग। ओके, तो साउदर्न ब्लॉटिंग तो आप समझ ही गए हो। अब क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का जो छाप है वो इसके ऊपर आ गया है। अब उसको हम लोग करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, डीएनए प्रॉब। ओके,
अब ये डीएनए प्रॉब जो होगा उसका पर्पस क्या है भाई, डीएनए प्रॉब क्या करेगा? तो देखो, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ आपका अटैचमेंट होगा रेडियो एक्टिव डीएनए का, और ये उस हिस्से में अटैच होगा जहाँ पे क्या है, वीएनटीआर है। ये उस हिस्से में अटैच होगा जहाँ पे क्या है, वीएनटीआर है। ओके, और इसमें सिक्वेंसेस कितने होते हैं? तो लगभग ये 4 से 6 बेस पेयर कंसिस्ट करता है। कितना बेस पेयर कंसिस्ट करेगा? 4 to 6 बेस पेयर्स। ओके, अब इस 4 to 6 बेस पेयर वाले डीएनए को जब हम उस पर्टिकुलर डीएनए से जोड़ते हैं तो अब क्या हो गया, ये रेडियो एक्टिव पार्ट हो गया। अब इसी रेडियो एक्टिव पार्ट को आप क्या करोगे, आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। किसके ऊपर? एक्सरे के ऊपर। एक्सरे के द्वारा आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगला देखिए मेरा वही है, ऑटो रेडियोग्राफी। नेक्स्ट आ गया ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं कि जो नाइट्रोसेलुलोज का पेपर आपके पास आ गया अब, या सीट जो आ गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज्ड इन एक्सरे। तो जब आप उसको एक्सपोज कीजिएगा एक्सरे में, तो उसका जो रेडियो एक्टिव पार्ट है, रेडियो एक्टिव पार्ट इजिली विजिबल, आपको रेडियो एक्टिव पार्ट जो होगा वो आसानी से नज़र आएगा, और एक्सरे प्लेट पर ये आसानी से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो डिफरेंट सैंपल ऑफ डीएनए का। अब जैसे इसी को हम लोग देखिए समझते हैं एक फिगर के द्वारा। देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मान लीजिए आप जो है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के कोई भाई एक एक्सपर्ट हैं। आप क्या है भाई? तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट। आप गए और क्राइम सीन पे आपको कुछ इस टाइप का सैंपल मिला डीएनए का। क्राइम सीन पे आपको क्या मिला? ब्लड पार्टिकल्स मिला। उस ब्लड पार्टिकल्स को आपने क्या करवाया, डीएनए प्रोफाइलिंग करवाया। तो वहाँ पे आपको उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कुछ ये सिक्वेंसेज आपको देखिए मिला। सिक्वेंसेज क्या था? ये 7वां क्रोमोसोम है, 2रा क्रोमोसोम है, और ये 16वां क्रोमोसोम्स है। तो इसका सिक्वेंसेस कुछ आपको क्रिमिनल ये सैंपल मिला क्राइम सीन पे, आपको कुछ ऐसा सैंपल मिला। क्लियर है? अब इस सैंपल का डीएनए प्रोफाइलिंग कुछ ये था। ये देखिए डीएनए प्रोफाइलिंग का सैंपल अवेलेबल था आपके लिए। अब हुआ क्या, आपको मान लीजिए दो ऐसे पर्सन हैं जिन पर आपको क्या लग रहा है, आपको शक लग रहा है कि भाई ये पर्सन हो सकता है क्रिमिनल। तो आपने क्या किया, देखिए एक पर्सन ए था और एक पर्सन बी था। क्राइम सीन से देखिए ये सैंपल मिला जिसका डीएनए प्रोफाइलिंग ये है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेंथ और साइज और ये जी ये उसका रेशियो, बेस पेयर रेशियो। अब देखिए इसका और इसका जब हमने डीएनए प्रोफाइलिंग करवाया, तो देखिए एक आप डीएनए प्रोफाइलिंग देख रहे हैं कुछ इस टाइप का है, ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग, मतलब 7वां क्रोमोसोम, 2रा क्रोमोसोम, 16वां क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज लेंथ एंड जी एस ये रेशियो, ए टी और जी सी रेशियो। वहीं पे बी का देखिए ये रेशियो है। देखिए तो आप समझ रहे हैं, आप देखिए ये जो सीन आपको क्रिमिनल सीन पे जो जहाँ पे क्राइम सीन था वहाँ पे जो सैंपल मिला वो क्या बी से मिल रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये ब्लड सैंपल और ये जो डीएनए का जो सैंपल है, दोनों का सैंपल का डीएनए क्या है, सेम है। इसका मतलब चांसेस क्रिमिनल का किसका है, इसका, बी का। ओके, तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो किसको, क्रिमिनल्स को। ओके, तो एप्लीकेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, एप्लीकेशन क्या है? एक तो फॉरेंसिक साइंस में एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन माना जाता है ये, और ये अपने आप में बहुत वास्ट एप्लीकेशन माना जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इम्पॉर्टेंट है क्या, कि बायोलॉजिकल पेरेंट को डिटेक्ट किया जा सकता है इससे। ओके, तो ये हो गया आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और साथ ही ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो रहा है। ये चैप्टर कौन सा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर होने जा रहा है वो मैं सोच रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको जुलाई तक में
आपके नीट के एग्ज़ाम के पहले तक में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्पेशली ट्वेल्थ क्लास के, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सारे टॉपिक को डील में कर सकूं, तो अभी मेरे पास समय भी है, मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूं। तो कम से कम ट्वेल्थ क्लास तक का कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आपका सहयोग अच्छा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।